नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल के आयरन डोम के बारे में, क्यों ये सिस्टम खास है, किस तरह से ऑपरेट करता है और भारत ने इसको आज तक प्रिक्योर क्यों नहीं किया है, तो उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। स्पेशली ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए पिक किया गया है कि कुछ ट्वीट मैंने देखे थे काफी जानकार लोगों के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने आयरन डोम को मिसइंटरप्रेट किया हुआ है, उसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज हम क्लियर कर लेंगे कि ये जो आयरन डोम है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कैटेगरी में आता है, जिसमें आपके डेविड स्लिंग, एरो वन और एरो टू भी हैं। और दूसरी कैटेगरी में आपके एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं, जैसे कि स्पाइडर MR, SR, MR सैम, ब्राकेट, तो ये आपके दूसरी कैटेगरी में है। अब ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कैटेगरी के मिसाइल्स हैं जैसे कि स्पाइडर और MR सैम, ये पहली कैटेगरी के टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ फायर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको ज्यादा होगी अगर आप दूसरी कैटेगरी से क्लोज इन टारगेट को हिट करते हो। तो यहाँ पे ये जो बेसिक डिफरेंस है उसे समझना जरूरी है। यहाँ पे जब भी टारगेट क्लोज इन आ रहे होते हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो हायर होगी, आपके पास जो रिएक्शन टाइम होगा वो कम होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए इस तरह का जो सिस्टम है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका आयरन डोम है वो एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में सबसे एंड पे आएगा, जिसको आप एक सीरैम के रूप में इस्तेमाल करोगे। तो आयरन डोम यहाँ पे सीरैम है, मतलब काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार सिस्टम। सीरैम भी आपके दो तरह के होते हैं, पहला जो कन्वेंशनल तरीका है जिसमें फैलेक्स CIWS 1630 और वल्कन जैसे सिस्टम आते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है वो मिसाइल की कैटेगरी है, जहाँ पे स्पेशली एन नंबर ऑफ टारगेट को ट्रैक करके मल्टीपल मिसाइल को लॉन्च करके जो टारगेट है एक सीरैम की कैटेगरी में, तो इसी में जो आयरन डोम है वो फॉल करता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि क्या आयरन डोम ही बराक 8 है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। काफी लोगों ने ये चीज़ ट्वीट की हुई थी, आयरन डोम MR सैम अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। और क्यों सेम नहीं है, क्या कुछ एडवांसमेंट आयरन डोम कैरी करता है, उन पर भी हम बात करेंगे। अब तक ये सिस्टम 4000 टारगेट को इंटरसेप्ट कर चुका है, तो दुनिया में इस तरह का अकेला ऐसा सिस्टम है जो कि इतने टारगेट को हिट कर चुका है। इजराइल ने इसको बनाया अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए, जिस तरह के उन पर अटैक होते हैं जो कि काफी फ्रीक्वेंट होते हैं, तो ऐसे फ्रीक्वेंट अटैक से बचने के लिए ये जो MDS है वो बनाया गया है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जहां से फायर आ रहा होता है रॉकेट का, तो वहां से जो डिस्टेंस है इजराइल के बीच में वो उतनी पर्याप्त नहीं है, तो आपके पास जो रिएक्शन टाइम है वो ऑलरेडी कम होगा। और वैसे ही सिचुएशन को देखते हुए आयरन डोम को बनाया गया है ताकि ये कम टाइम में रेस्पॉन्स किया जा सके मल्टीपल जो लॉन्चर यूनिट है उनको डिप्लॉय करके। कितने कंपोनेंट यहाँ पर डिप्लॉय होते हैं, तो यहाँ पर जो पहली यूनिक चीज है वो इसका डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार है, जो कि अल्टा के ELM 2084 का ही एक मिनी वेरियंट है, आयरन डोम के साथ ही मूव करता है। रेडार की यहाँ पे बात करोगे तो रेडार एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है, मतलब 200 टारगेट की लोकेशन एक बार में वो ट्रैक कर सकता है, और अराउंड 1100 टारगेट को एक बार में ये सर्विलेंस पे रख सकता है। तो बेसिकली जो इसका रेडार है वो एक मल्टी मिशन मल्टी मोड रेडार है, मतलब ये रडार एक बार में मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो टारगेट एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, UAV हो या इस तरह के कोई भी टारगेट हो, वो उन सभी को ट्रैक कर सकता है। और ट्रैक करते हुए सपोज करो कोई आर्टिलरी आ रही है या फिर रॉकेट आ रहा है, तो रॉकेट कहाँ पे गिरेगा उसकी भी जो कैलकुलेशन है ये बैकग्राउंड में कर रहा होता है। रडार की यहाँ पर जो रेंज है वो 450 किलोमीटर का राउंड है, मतलब ये इतनी दूर अपने टारगेट को ट्रैक कर लेगा, और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा होगा तो उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो ये फाइंड कर लेगा। फाइंड करने के बाद जितने भी लॉन्चर डिप्लॉय किए गए हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो सभी लॉन्चर उस पर्टिकुलर टारगेट को कहाँ पे हिट कर सकते हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो उन सभी के लिए जो कैलकुलेशन है वो करेगा। और जिस भी लॉन्चर से जो इंटरसेप्शन है वो हायर होगा, उसके पास कमांड भेजने के लिए जो सिग्नल्स हैं वो ये भेज देगा BMC के पास, यानी कि बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सेंटर को। तो बेसिकली आपके आयरन डोम में सेकंड कंपोनेंट है BMC। यहाँ पे जो BMC में सॉफ्टवेयर है वो एडवांस है, AI सिस्टम पे ये काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मतलब जो भी टारगेट या फिर रॉकेट आपकी तरफ आ रहे हैं अगर वो पॉपुलेटेड एरिया में नहीं गिर रहे हैं तो ये जो AI सिस्टम है उसको इग्नोर कर देगा, और जो रॉकेट आपके पॉपुलेटेड एरिया में गिर रहा है ये उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो लॉन्चर है उसको निर्देश देगा। यहाँ पे लॉन्चर में आपको एक एंटीना भी दिख रहा होगा जो कि कमांड को रिसीव करने के लिए दिया गया है। लॉन्चर को आप यहाँ पे कहते हैं मिसाइल फायरिंग यूनिट, यानी कि MFU। तो जो एक MFU है वो तकरीबन 20 मिसाइल को कैरी करते हैं, और ये जो मिसाइल है वो न बराक 8 है न MR सैम है, ये तैमीर मिसाइल है जो कि काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है इंटरसेप्शन के लिए, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये आपके तीन मुख्य पार्ट है, आयरन डोम के BMC जिसमें AI इंटीग्रेट किया गया है, प्लस जो रेडार है ELM 2084 का वेरिएंट, मिनी वेरिएंट, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हेल्प करता है मल्टीपल टारगेट को पकड़ने में, डिटेक्ट करने में, उनके पाथ को तय करने में और प्रायोरिटाइज करने में कि किनको हिट करना है। इतना काम आप कर चुके हो। अगला काम ये है कि वो जो रॉकेट फायर किया गया है दूसरे साइड से, वो रॉकेट आ रहा है 4 से लेकर 5 माह की स्पीड पे, तो इतने हाई स्पीड पे वो आ रहा है और उसको दूरी भी कम तय करनी है, मतलब वो जल्दी आ जाएगा, उस कंडीशन में उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके सीकर की जो सेंसिटिविटी हो, प्रॉक्सिमिटी फील्ड की जो सेंसिटिविटी हो वो हायर हो, प्लस जो मिसाइल को लेकर पिचअप रेट हो, मनूवर करने की क्षमता हो, ये सभी हायर हो। और कुछ ऐसा यहाँ पे तमीर में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर की, जिसको एक स्पेशल शेप में ढाला गया है, और ये शेप को ढालते हुए जो ग्रेन के नंबर है, मतलब जो उन्होंने सॉलिड ग्रेन है उनके अमाउंट को भी हायर रखा गया है। यहाँ पे शेप का नाम रॉड एंड ट्यूब है,
बेसिकली इस तरह के शेप फायर होने के बाद तुरंत ही आपको हाई थ्रस्ट देते हैं और उसी हाई थ्रस्ट को ये मेंटेन किए होते हैं पूरे पाथ पे। सो ये जो पर्टिकुलर शेप है सॉलिड मोटर का, वो उसको डिजायर थ्रस्ट देगा जिससे कि एनिमी के रॉकेट तक एक कम समय में पहुंच सके। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे तो वो इसके मनूवर करने की क्षमता, फिन के नंबर और नोजल, ये तीनों ही इसको हेल्प करते हैं मनूवर करने में। अगला फीचर एडवांस डेटा लिंक, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। इसकी हेल्प से आप कॉन्स्टेंट टच में रहते हो AI से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जो भी टारगेट हॉस्टाइल है ये जो AI सिस्टम है वो आपको कमांड भेज देगा लॉन्चर के एंटीना यूनिट से। तो यहाँ पे ये जो डेटा लिंक है वो डुअल डेटा लिंक है। अगले फीचर की यहाँ पे बात करोगे तो वो इसका सीकर और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। सिंस आपको जो किल है वो अचीव करना है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एक ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक टारगेट के लिए जो कि 5 मार्क के अराउंड होगी, तो उस तरह के टारगेट को अगर आप हिट करना चाहते हो KE से तो एक डिफिकल्ट टास्क होगा। और उसको अचीव करने के लिए एक जो एडवांस सीकर और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का कॉम्बिनेशन है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मिसाइल का सीकर और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज दोनों इंटीग्रेटेड है, नहीं तो और मिसाइल में क्या होता है कि जो आपका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है उसके केस में जो कुछ स्लॉट हैं वो दिए गए होते हैं और उन स्लॉट की हेल्प से आप मिसाइल के एयरफ्रेम में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को अटैच करते हो। ये चीज यहाँ पे नहीं है, टैमिर में दोनों इंटीग्रेट किए गए हैं। जबकि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको चिप बेस्ड रखा गया है, आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको सीकर दिख रहा है जो कि एक ईसा सीकर है, और इस सीकर की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको एक गिम्बल पे माउंट किया गया है, मतलब एक ऐसा सीकर को गिम्बल पे माउंट कर दिया गया है। तो ये एक एक्टिव सीकर है जहाँ पे जो सीकर की रेंज है वो 40 किलोमीटर तक की है। तो टेक्निकल यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप मिसाइल फायर करते हो तो जो सीकर है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक रडार की तरह काम करने लग जाएगा, टारगेट को पकड़ने लग जाएगा। सो जैसे जो टारगेट है वो क्लोज आएगा, वहाँ पर जो उसका लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो टारगेट के ऊपर बीम छोड़ेगा, और बीम के लौटने के बाद जो सिग्नल है जैसे इसको तुरंत मिलेगा ये उसके बाद वॉरहेड को डिटोनेट कर देगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जब तक वो वॉरहेड डिटोनेट होगा तब तक जो रॉकेट है वो पास हो चुका होगा, ये चांसेस हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो वॉरहेड है वो फ्लेक्स की शेप में रखा गया है वेरियस एंगल पे। तो जैसे ही जो सिग्नल है LP फ्यूज से आपको मिलेगा तो तुरंत जो सारे वॉरहेड हैं वो 2 एंगुलर डायरेक्शन में निकल जाएंगे और एक पर्टिकुलर एरिया को घेर लेंगे। यहाँ पे एंगल मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो वॉरहेड के निकलने के बाद जो कि मल्टीपल वॉरहेड होंगे फ्लेक्स के फॉर्म में, वो पर्टिकुलर रॉकेट को घेर लेंगे और कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, मतलब जो काइनेटिक इम्पैक्ट है, वो चीज अचीव करेंगे जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बच के नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल क्या चीज है वो है इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। यहाँ पे जो कुछ एडवांसमेंट है वो किए गए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो LP फ्यूज है कुछ ऐसा आपको दिखता है, जिसके पेरिफेरी में जो मल्टीपल ऑप्टिकल सेंसर है वो दिए गए हैं। यहाँ पे इसको आप लेजर सेंसर भी कहोगे। एक सेंसर बीम को छोड़ने के लिए है और दूसरा रिसीव करने के लिए है जैसे जो पहुंचेगा टारगेट के पास। तो यहाँ पे 2 के जोड़े में मल्टीपल जो सेंसर है वो दिए गए हैं। सेंसर के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है, बैटरी है, वो अंदर ही दी गई है। बात करो जो एडवांसमेंट है वो कहाँ पे किया गया है, तो लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का जो डायग्राम है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये जो वॉल दिख रही है आपका टारगेट हो गया। पहला आपका एमिटिंग यूनिट है जिसको जोड़ा गया है ट्रांसफार्मर से। 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पे जो फोटोडायोड है वो दिया गया है। तो जैसे ही जो पावरफुल बीम है वो आप छोड़ोगे लेजर एमिटर से, वो आपके टारगेट पे टकरा के वापस आ गई, उसको रिसीव कर लिया जाएगा रिसीविंग एंड पे। फिर वहाँ से उसकी जो प्रोसेसिंग है वो की जाएगी, कैलकुलेट किया जाएगा जो टारगेट है वो कितने नज़दीक है। अगर वो आपकी रेंज में होगा तो जो भी आपके फोटोडायोड है यहाँ से फीडबैक लेके जो सिग्नल है वो भेज दिया जाएगा वॉरहेड के पास। तो टेक्निकली यहाँ पे फ्यूज को और सेंसिटिव बनाने के लिए डायोड को स्ट्रॉन्ग किया गया है और जबकि प्रोसेसिंग यूनिट है उसको क्विक बनाया गया है। तो ये एक 4th जनरेशन का फ्यूज है जो कि अपने आप में काफ़ी एडवांस है और एक तेज रफ्तार से आ रहे टारगेट को भी उड़ाने के लिए वॉरहेड को सिग्नल भेजने में सक्षम है। तो यहाँ पे ये भी इसकी एक विशेषता है। अगर सीकर के बारे में थोड़ी और बात करोगे कि क्यों यह सीकर एक्यूरेट है, ये एम्प्लॉय करता है MMIC टेक्नोलॉजी को अपने सर्किट में, जिससे कि जो गेन है और सेंसिटिविटी है ये दोनों इम्प्रूव रहती है। बैंडविड्थ की यहाँ पे बात करोगे तो सीकर प्रॉब्लम यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है X बैंड में या फिर KU बैंड में, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पे मीम्स बेस्ड जो FOG है वो भी दिया गया है, जब ये एक लंबे रेंज में ट्रेवल कर रहा होगा तो जो कोर्स करेक्शन है वो वहाँ से मिलेगी। जबकि यहाँ पे जो एंटीना पैनल है वो मोनोलिथिक माइक्रोस्ट्रिप के फॉर्म में दिया गया है। अगर यहाँ पे वॉकिंग की बात करते हो तो सपोज करो एनिमी की तरफ से 100+ जो रॉकेट है वो फायर किए गए हैं, उन सभी रॉकेट को पकड़ लिया जाएगा आपकी LM2084 से, क्योंकि वो एक बार में 1100 टारगेट को सर्वेलेंस कर सकता है। तो उनको तुरंत वो पकड़ लेगा, अराउंड 200 टारगेट को ट्रैक करने लग जाएगा। तुरंत वो टारगेट क्लासीफाई करेगा, कैलकुलेट करेगा कि कहाँ पे गिरने वाले हैं, और उन सब की जानकारी है वो BMC को भेज देगा। फिर वहाँ पे जो BMC है वो तय करेगा कि जितने भी लॉन्चर उस एरिया में है कौन से लॉन्चर को फायर होना है, क्योंकि एनिमी की तरफ से 100+ जो मिसाइल है वो फायर की गई हैं। 80 मिसाइल भी आपके एरिया में गिरती हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास जो 4 लॉन्चर यूनिट है जहाँ पे एक लॉन्चर यूनिट में 20 मिसाइल हैं वो आपको रिक्वायर्ड होगी। तो तुरंत ही वहाँ से जो सिग्नल है वो भेज दिया जाएगा, जहाँ पे फायर होने के बाद जो मिसाइल का अपना सीकर है वो काम करने लग जाएगा और टारगेट के पास जाके जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो फट जाएगा, वॉरहेड बिखर जाएंगे और रॉकेट को ट्रैप कर लेंगे। तो कुछ ऐसा ये काम करता है। जहाँ पे सिस्टम की एक्यूरेसी है वो 90% के अराउंड है। अब बात करते हो भारत को लेके, तो भारत में हमारा जो ज़्यादातर एरिया है उनकी जो दूरी है बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी लंबी है।
तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग रेंज सिस्टम को लेकर ज़्यादा है, शॉर्ट रेंज भी उतनी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इस तरह के जो स्मॉल वॉरेड हैं वो हमारे सिविलियन पर फायर किए जा रहे हों, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो उस प्रकार की नहीं है, इसलिए भी ये जो सिस्टम है वो नहीं लिया गया है। क्योंकि हमारे लेयर्ड ADS में ऑलरेडी कई सारे जो SRSAM हैं वो पार्ट हैं, भारत ऑलरेडी बना रहा है विस्रॉड को जो कि ये रोल ले लेगा। अगर इस तरह के रोल की बात करती हो तो जो स्पेशली रेडार था आयरन डोम का यानी कि ELM-2084 वो हमारे पास ऑलरेडी भारत में है, मैन्युफैक्चर कर चुके हम लाइसेंस के अंतर्गत, IEF उसको ऑपरेट करती है MRSAM के साथ, क्योंकि ये जो रेडार है वो किसी भी मिसाइल सिस्टम को सिग्नल भेजने में सक्षम है, चाहे वो आपका MRSAM हो, ब्राकेट हो, डेविड स्लिंग हो, आयरन डोम हो, तो ये हर तरह के सिस्टम को सिग्नल भेज सकता है। इसको आने वाले टाइम में इंटीग्रेट किया जाएगा जो आपके आकाश NG है उनसे, तो प्रॉब्लम जो आपके आकाश NG होंगे या फिर जो आपके मोबाइल VLSRSAM होंगे वो इस तरह का रोल ले सकते हैं। अब यहाँ पे भारत में जो इस तरह का रोल है वो स्पाइडर कर रहा है, QRSAM कर रहा है, वो बात अलग है कि आपको यहाँ पे जो मल्टीपल मिसाइल हैं वो फायर करनी पड़ेंगी एक हाईली मोबाइल टारगेट को हिट करने के लिए। जहाँ तक बात है भारत के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो कि काइनेटिक किल करे या फिर इस तरह के इंटरसेप्शन को परफॉर्म करे, तो भारत ऑलरेडी यह सिस्टम डेवलप कर चुका है जो कि लॉन्ग रेंज के है, जैसे कि आपके AED हो गए या फिर BMD के जो AD-1 और AD-2 हो गए, इस तरह के सिस्टम जो काइनेटिक किल है वो अचीव करने वाले हैं और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे एक लंबे रेंज में। सो बराकेट और MRSAM आयरन डोम नहीं है, ये चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।